महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विश्व में हिंदी भाषा की पहचान पर रखे विचार। रविवार को 4,115 दिव्यांगों को मिलेंगे सहायता उपकरण। प्रशासन की तैयारियां पूरी, सीडीओ ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। शासन द्वारा संचालित विद्युत योजनाओं की पावर कॉर्पोरेशन की एमडी ने किया समीक्षा, दिया शासन के सौभाग्य योजना को शिविर के जरिए लागू करने का निर्देश। राष्ट्रीय वायुश्री योजना अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग जनों के उपकरण वितरण समारोह में शामिल होंगे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थावर चंद गहलोत। मतदाता सूची पुनरीक्षण की कमिश्नर अनिल कुमार ने की समीक्षा, 9 फरवरी तक सूची जारी करने के दिए निर्देश। एसबीआई कर्मचारियों ने प्रबंध समिति के असहयोग नीति का किया विरोध, दी चेतावनी, मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे हड़ताल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का 7वां जनपदीय वार्षिक सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। शिक्षकों ने जन शिक्षा के लिए जन अभियान की प्रासंगिकता विषय पर रखे विचार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित हुआ युवा काव्य गोष्ठी प्रतियोगिता, प्रतिभागियों ने दिखाया हुनर। सपा की मासिक बैठक हुई संपन्न, सदर लोकसभा सीट से होने वाले उपचुनाव में जीत के लिए कसी कमर। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अमृत कला वेदिका के दूसरे दिन लगी 6 राज्य के 8 विश्वविद्यालय की कला प्रदर्शनी। विश्व हिंदू परिषद सहित कई हिंदूवादी संगठनों की बैठक हुई संपन्न, 18 से 31 मार्च तक पूरे भारत में आयोजित होने वाले एक माला जप और राम उत्सव कार्यक्रम की सफलता पर बनाई गई रणनीति। माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर बोर्ड परीक्षाओं को बहिष्कार करने की दी चेतावनी। हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने किया दीपदान, प्रदेश सरकार से की चंदन के हत्यारों को फांसी की मांग। और 10 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का संधि सुलह एवं अपराध स्वीकृति के आधार पर होगा निस्तारण।